Welcome to the course Electronic Circuit Design. Now, in this week, we will going to discuss about oscillators. ये oscillators जो हैं क्या होते हैं, इनके types, LC oscillators, RC oscillators और इनके जो possible मशहूर oscillator के types हैं, जैसे LC oscillators में आपके आते हैं Hartley oscillator, Colpitt oscillator और फिर आपके जो crystal oscillator हैं और उसके बाद आपके जो RC oscillators हैं, इनके अंदर आपका जो वीन ब्रिज ऑसिलेटर है वो आज हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. सो ऑसिलेटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट जनरेट अ कॉन्टीन्यूस पीरियोडिक वेव फॉर्म एट अ प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये जैसे एक सर्किट आपके सामने शो हो रहा है, ये आगे आ जाएगा कि ये ऑसिलेटर का सर्किट कैसे, ये ऑसिलेटर का सर्किट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ऑसिलेटर कन्वर्ट अ डीसी इनपुट द सप्लाई वोल्टेज इन टू एन ए सी आउटपुट वेव फॉर्म विच कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट वेव शेप्स एंड फ्रिक्वेंसीज दैट कैन बी आइदर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर और सिंपल साइन वेव्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एप्लीकेशन. ऑसिलेटर्स आर ऑल्सो यूज इन मैनी पीसेज ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग देयर साइनोसॉइडल साइन वेव, स्केयर वेव, सॉटूथ और ट्राइंगुलर शेप्ड वेव फॉर्म्स और जस्ट अ ट्रेन ऑफ पल्स ऑफ अ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट विड्थ. ओके, तो ये हमारी ऑसिलेटर्स की. अच्छा, एलसी ऑसिलेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स बिकॉज ऑफ देयर गुड फेज नॉइज करेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी इनकी ऑसिलेटर्स की. एन ऑसिलेटर इज बेसिकली एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव फीडबैक हम उसको सिस्टम को दे रहे हैं और रीजनरेटिव फीडबैक जो कि इन फेज फीडबैक है. नॉर्मली फीडबैक में होता है ना SP माइनस PV, आप उसको नेगेटिव दे रहे हो, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो इसमें आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे. ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड वन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन इज स्टॉपिंग द एम्पलीफायर्स फ्रॉम ऑसिलेटिंग वाइल ट्राइंग टू गेट ऑसिलेटर्स टू ऑसिलेट. अच्छा, ऑसिलेटर्स वर्क बिकॉज दे ओवरकम द लॉसेस ऑफ देयर फीडबैक रेजोनेटर सर्किट आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ कैपेसिटर इंडक्टर और बोथ इन द सेम सर्किट बाय अप्लाइंग द डीसी एनर्जी एट द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इन टू दिस रेजोनेटर सर्किट. इन अदर वर्ड्स, एन ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर विच यूजेस पॉजिटिव फीडबैक दैट जनरेट्स एन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विदाउट द यूज ऑफ इनपुट सिग्नल. अच्छा, दस ऑसिलेटर्स आर सेल्फ सस्टेनिंग सर्किट्स जनरेटिंग एन पीरियोडिक आउटपुट वेव फॉर्म एट ए प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी एंड फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू ऑपरेट एज एन ऑसिलेटर इट मस्ट हैव द फॉलोइंग थ्री करेक्टरिस्टिक्स. सम फॉर्म ऑफ एम्पलीफिकेशन, पॉजिटिव फीडबैक जिसको रीजनरेशन बोलेंगे, अ फ्रीक्वेंसी डिटरमिंड फीडबैक नेटवर्क. एन ऑसिलेटर हैज़ अ स्मॉल सिग्नल फीडबैक एम्पलीफायर विद एन ओपन लूप गेन इक्वल टू और स्लाइटली ग्रेटर देन वन फॉर ऑसिलेटर्स टू स्टार्ट बट टू कंटिन्यू ऑसिलेशंस द एवरेज लूप गेन मस्ट रिटर्न टू यूनिटी. इन एडिशन टू दीज रिएक्टिव कंपोनेंट्स एन एम्पलीफाइड डिवाइस सच एज एन ऑप एम्प और BJT इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये अभी हम देखते हैं. यू अनलाइक एन एम्पलीफायर देर इज नो एक्सटर्नल AC इनपुट रिक्वायर्ड टू कॉज द ऑसिलेटर टू वर्क एज द DC सप्लाई एनर्जी इज कन्वर्टेड बाई द ऑसिलेटर इन टू द AC एनर्जी एट द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी. तो ये वाला सर्किट आ गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑसिलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं. तो इसमें आपका क्या है कि वी इन, ठीक है, उसके बाद वी इन माइनस वी एफ, ठीक है, वी इन माइनस बीटा वी आउट एंड देन एम्पलीफाई एंड दिस इज अगेन फीडबैक नेटवर्क. अच्छा, अब इसको ज़रा हम इस पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो ऑसिलेटर गेन विदाउट फीडबैक, ऑसिलेटर गेन विदाउट फीडबैक, ये है बेसिक ऑसिलेटर फीडबैक सर्किट. ये विदाउट फीडबैक क्या होगा, गेन इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन, ए इज योर ओपन लूप गेन, ठीक है, वी आउट इज इक्वल टू ए वी इन. तो अगर इसमें फीडबैक आ जाए, फीडबैक का एलिमेंट आ जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट ये होता है कि ए ओवर वन प्लस बीटा ए, यानी ए जो इसको हम कंट्रोल की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे फीड फॉरवर्ड आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है और ये आपका फीडबैक वाला ट्रांसफ़र फंक्शन है. तो इसमें जो बनता होता है वो ये बनता होता है कि इसको हम GOF बोलते हैं, इसको HOF बोलते हैं. तो GOF ओवर वन प्लस GOF इंटू HOF फॉर द नेगेटिव फीडबैक. अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा कि GOF की जगह A यूज़ हो रहा है और HOF की जगह बीटा यूज़ हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा A ओवर वन प्लस बीटा A. अच्छा,
तो ऑसिलेटर गेन विद फीडबैक क्या होगी कि ए वी इज इक्वल टू वी इन माइनस बीटा इंटू वी आउट इज इक्वल टू वी आउट। बेसिकली इसको कह रहे हैं कि ए वी इज इक्वल टू ये इसकी वी इन क्या, ये वी इन इसकी हो जाएगी, वी इन क्या हो जाएगी, वी आई एन माइनस बीटा आउट, और इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, वी आउट। ठीक है, तो ए वी इज वी इन माइनस बीटा वी आउट, यानी ये इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दिस गेन इज इक्वल टू वी आउट। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करने के बाद यू गेट वी आउट इज इक्वल टू जी वी विच इज़ द क्लोज लूप गेन, यानी बीटा इज द फीडबैक फ्रैक्शन, ए बीटा इज़ योर लूप गेन, वन प्लस ए बीटा इज़ योर फीडबैक फैक्टर एंड जी वी इज़ योर क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन आपकी आ जाएगी ए ओवर वन प्लस ए बीटा। तो ऑसिलेटर्स आर सर्किट दैट जनरेट अ कंटिन्यूस वोल्टेज आउटपुट वे फॉर्म एट अ रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी विद द वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स फॉर्मिंग अ फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव एल सी रेजोनेंट टैंक सर्किट। ये आगे हम देखेंगे एल सी रेजोनेंट टैंक सर्किट क्या होता है एंड द फीडबैक नेटवर्क। दिस फीडबैक नेटवर्क इज एन एटेन्यूएशन नेटवर्क विच हैज़ अ गेन ऑफ लेस देन वन एंड स्टार्ट्स ऑसिलेशन व्हेन ए बीटा इज ग्रेटर देन वन विच रिटर्न्स टू यूनिटी वंस द ऑसिलेशन कमेंस। द एल सी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी इज कंट्रोल्ड यूजिंग अ ट्यून्ड और रेजोनेंट इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट एल सी सर्किट विद द रिजल्टिंग आउटपुट फ्रिक्वेंसी बींग नोन एज द ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी बाई मेकिंग द ऑसिलेटर्स फीडबैक अ रिएक्टिव नेटवर्क। द फीड द फेज एंगल ऑफ द फीडबैक विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इज कॉल्ड फेज शिफ्ट। अच्छा, ऑसिलेटर्स में कहते हैं देयर आर बेसिकली टाइप्स कौन से होती है, साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स होते हैं और नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स होते हैं। साइनोसाइडल जो साइन वेव प्रोड्यूस करते हैं इनको हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। दीज आर नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एंड दीज आर जनरली एन एल सी ट्यून्ड फीडबैक और आर सी ट्यून्ड फीडबैक टाइप ऑसिलेटर दैट जनरेट्स अ प्योरली साइनोसाइडल वे फॉर्म विच इज़ ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आगे आता है आपका नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स, दीज आर नोन एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स एंड जनरेट कॉम्प्लेक्स नॉन साइनोसाइडल वे फॉर्म्स दैट चेंज वेरी क्विकली फ्रॉम वन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी टू अनदर सच एज स्केयर वेव, ट्राइंगुलर वेव और सार्टूथ वेव टाइप वेव फॉर्म्स। अच्छा, फिर आपके आते हैं ऑसिलेटर रेजोनेंस। ऑसिलेटर रेजोनेंस जो है वो क्या होती है कि व्हेन अ कांस्टेंट वोल्टेज बट ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर, द रिएक्टेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर रेजिस्टर एंड इंडक्टर स्लैश रेजिस्टर सर्किट्स इज टू चेंज बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द आउटपुट सिग्नल एज कम्पेयर टू द इनपुट सिग्नल ड्यू टू द रिएक्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड। एट हाई फ्रीक्वेंसीज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज वेरी लो। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, एक्स सी इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई एफ सी। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या हो जाएगी, आपकी एक्सी कम हो जाएगी और लो फ्रीक्वेंसीज पे आपकी एक्सी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो एट हाई फ्रीक्वेंसीज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ वेरी लो एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट व्हाइल द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज़ हाई एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट। एट लो फ्रीक्वेंसीज द रिवर्स इज ट्रू, अगर द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रोड्यूस अ ट्यून्ड और रेजोनेंट। अच्छा, अब इसमें देखें, अब रेजोनेंस की तरफ हम जा रहे हैं कि रेजोनेंस कैसे पैदा होती है और ऑसिलेटर काम कैसे करता है। तो इसको हम रेजोनेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इन विच द कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंसेज आर इक्वल एंड दे कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, ये आप पहले इसको आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, लिविंग आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टू अपोज द फ्लो। जैसे सिर्फ और सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस आपकी कौन सी रह जाती है, आर। दिस मीन्स दैट देर इज़ नो फेज शिफ्ट एज द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। अब हम देखते हैं जरा इसका बेसिक एल सी ऑसिलेटर टैंक सर्किट का काम। सबसे पहले क्या होगा, इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपका कैपेसिटर क्या होगा कि चार्ज होगा स्विच ए पे, चार्ज होने के बाद आप इसको जब बी पे स्विच कर दोगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को दे देगा। यानी कैपेसिटर फुली चार्ज होगा और इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी जो होगा वो उसमें करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ, और कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। अब जब इंडक्टर जो है वो चार्ज हो जाएगा फिर वो अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा कैपेसिटर के अंदर। तो इस तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर जो है एक दूसरे में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल एल एंड अ कैपेसिटर सी। द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल
across its plates, while the inductive coil stores its energy in the form of an electromagnetic field. The capacitor is charged up to the DC supply voltage V by putting the switch in position A. When the capacitor is fully charged, the switch changes to the B. The charged capacitor is now connected in parallel across the inductive coil, so the capacitor begins to discharge itself through the coil. The voltage across C starts falling as the current through the inductor coil begins to rise. यानी शुरू में इंडक्टर में करंट जीरो होगा तो इंडक्टर विल ट्राई टू अपोज दिस करंट, तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन करंट इससे बहेगा और बहता जाएगा और फिर करंट मैक्सिमम इसमें से गुजरना शुरू हो जाएगा इंडक्टर से, तो द राइजिंग करंट. अब उससे देखें कैपेसिटर क्या होगा, फिर ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा. यानी अब जो कैपेसिटर क्या होगा कि इस अमल से ऑपोजिटली चार्ज होना शुरू हो जाएगा. दिस राइजिंग करंट सेट्स अप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल which resists this flow of current. When the capacitor is completely discharged, the energy that was originally stored in the capacitor is an electrostatic field is now stored in the inductor as an electromagnetic field. कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में. एज देयर इज नाउ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इन द सर्किट टू मेंटेन द करंट विद इन द कॉइल, इट स्टार्ट्स टू फॉल एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिगिंस टू कोलैप्स. A back EMF is induced in the coil, keeping the current flowing in the original direction. अच्छा, अब इसमें अब ये भी होता है कि करंट जो है वो उसको इंडक्टर जो है वो करंट को की चेंज को अपोज करता है. ठीक है, तो अब वो क्या होगा कि कैपेसिटर आपका ऑपोजिटली चार्ज होना शुरू हो जाएगा. दिस चार्जेस अप द कैपेसिटर सी विद द ऑपोजिट पोलैरिटी टू इट्स ओरिजिनल चार्ज. सी कंटिन्यूज टू चार्ज अप अंटिल द करंट रिड्यूसेस टू जीरो एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल हैज कोलैप्स्ड कंप्लीटली. The energy originally introduced into the circuit through the switch has been returned to the capacitor, which again has an electrostatic voltage potential across it. अच्छा, अब जब कैपेसिटर ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा फिर अब वहाँ से वो जो है डिस्चार्जिंग शुरू करेगा और इंडक्टर को चार्ज करेगा और फिर जो उसकी ओरिजिनल पोलरिटी थी उस पर वापस आ जाएगा. विच अगेन हैज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस इट ऑल्दो इट इज नाउ ऑफ ऑपोजिट पोलरिटी. The capacitor now starts to discharge again back through the coil and the whole process is repeated. The polarity of the voltage changes as the energy is passed back and forth between the capacitor and the inductor producing an AC type sinusoidal voltage and current waveform. ये है एक oscillator का principle basically. This process then forms the basis of an LC oscillator tank circuit. LC oscillator tank circuit, ठीक है, and theoretically this साइकिलिंग बैक एंड फोर्थ विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली. ठीक है, हाउ एवर थिंग्स आर नॉट परफेक्ट एंड एवरी टाइम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. अब ये तो आइडियल है ना कि आइडियली कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहे, इंडक्टर चार्ज हो जाए, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो, कैपेसिटर चार्ज हो और ये चलता रहे क्यामत तक. लेकिन दिस इज आइडियल, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा. प्रैक्टिकली सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो डिसिपेशन होगी, डैम्पिंग आ जाएगी. तो उस डैम्पिंग को बेसिकली ख़त्म करने के लिए हमें उसमें कुछ थोड़ी सी एनर्जी इंसर्ट करनी पड़ेगी. तो ये है बेसिक प्रिंसिपल. हम जैसे देखें कि कैपेसिटर इंडक्टर एंड बैक टू द इंडक्टर कैपेसिटर सेम एनर्जी वुड डिके ऑसिलेशंस टू जीरो ओवर टाइम. ये प्रैक्टिकली इस तरह से होता है कि ऑसिलेशन आपकी जीरो हो जाती है विद टाइम. दिस ऑसिलेटरी एक्शन ऑफ पासिंग द एनर्जी बैक एंड फोर्थ बिटवीन द कैपेसिटर टू इंडक्टर वुड continue indefinitely if it was not for the energy losses with the circuit. And in the circuit electrical energy is lost in the DC or real resistance of the inductor's coil, in the dielectric of the capacitor and in radiation from the circuit. So the oscillation steadily decreases until they die away completely and then the process stops. Thus then in a parallel LC circuit the amplitude of the oscillatory voltage decreases at a half cycle of oscillation and will eventually die down. ठीक है, the oscillations are then said to be damped, with the amount of damping being determined by the quality factor of the circuit. तो ये damping आ जाती है, actual circuit में resistance आ जाएगी तो आपकी जो oscillations होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता dissipate होते जाएंगे. तो ये होगी slow damping, ये होगी fast damping के जिसमें damping coefficient ज़्यादा है, इसमें damping coefficient कम है. अच्छा, the frequency of the oscillatory voltage depends upon the value of the inductance and capacitance in the LC tank circuit. We know that for the resonance to occur in the tank circuit, there must be a frequency point where the value of XC, capacitive reactance, is the same as the value of XL, the inductive reactance, and which will therefore cancel out each other, having
लीविंग ओनली द डीसी रेजिस्टेंस इन द सर्किट टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो है एक्स एल और एक्स सी एक दूसरे को अपोज करते हैं। एक्स सी जो होता है वो 1/J 2πfC होता है, और एक्स एल इज J×2πfL होता है। तो जब ये सीरीज में होंगे तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, और रेजोनेंस में क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी और सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आर रह जाएगी आपकी, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये देखें कि एक्स एल इज इक्वल टू 2πfL, ये फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज करती है, और एक्स इज 1/2πfC, ये फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे जाके ये दोनों दूसरों को कैंसिल आउट करेंगी और सिर्फ रेजिस्टेंस आपकी आर रह जाएगी। तो एक्स एल इज 2πfL, एक्स सी इज 1/2πfC, इन दोनों को इक्वेट कर दें, और इनको इक्वेट करने के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 1/√2πLC। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√LC, एल इज द इंडक्टेंस इन हेनरी, सी इज द कैपेसिटेंस इन फैरेड्स, एंड एफ आर इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अच्छा, अब इसमें देखें, अब टू कीप द ऑसिलेशंस गोइंग इन एन LC टैंक सर्किट वी हैव टू रिप्लेस ऑल द एनर्जी लॉस्ट इन ईच ऑसिलेशन। अच्छा, अब इसमें देखें, ये बात थोड़ा सा नोट करने वाली है। टू कीप द ऑसिलेशंस गोइंग ऑन इन एन LC टैंक सर्किट वी हैव टू रिप्लेस ऑल द एनर्जी लॉस्ट इन ईच ऑसिलेशन एंड ऑल्सो मेंटेन द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज ऑसिलेशंस एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्लेस्ड मस्ट देयर फॉर बी इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल। इफ एनर्जी रिप्लेस्ड इज टू लार्ज द एम्पलीट्यूड वुड इंक्रीज अंटिल क्लिपिंग ऑफ द सप्लाई रेल्स अकर। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिप्लेस्ड इज टू स्मॉल द एम्पलीट्यूड वुड इवेंचुअली डिक्रीज टू जीरो ओवर टाइम एंड द ऑसिलेशंस वुड स्टॉप। यानी अब उसमें यह है कि अगर एनर्जी आप ज़्यादा सप्लाई कर देंगे उसको अंदर, तो वो जो सप्लाई रेल्स हैं उससे उसकी क्लिपिंग शुरू हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी, और अगर वो कम हो गई होगी एनर्जी जो आप दे रहे हैं तो वो डाई हो जाएगी। तो द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्लेसिंग दिस लॉस्ट एनर्जी इज़ टू टेक पार्ट ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द LC टैंक सर्किट, एम्पलीफाई इट एंड देन फीड इट बैक इन टू द LC सर्किट अगेन। यानी आप कुछ पोर्शन लें LC सर्किट से एनर्जी का, उसको एम्पलीफाई करें और वापस उसके अंदर इंसर्ट कर दें। दिस प्रोसेस कैन बी अचीव यूजिंग अ वोल्टेज एम्पलीफायर यूजिंग एन ओप एम्प FET और BJT एज इट्स एक्टिव डिवाइस। हाउ एवर इफ द लूप गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज टू स्मॉल द डिजायर्ड ऑसिलेशन डिकेज टू जीरो, एंड इट इज टू लार्ज द वे फॉर्म बिकम्स डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड कैसे होगी, क्लिपिंग की वजह से। टू प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट ऑसिलेशन द लेवल ऑफ एनर्जी फेड बैक टू द LC नेटवर्क मस्ट बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड। देन देर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड और गेन कंट्रोल व्हेन द एम्पलीट्यूड ट्राइज टू वेरीज फ्रॉम अ रेफरेंस वोल्टेज आइदर अप और डाउन। अच्छा, अब टू मेंटेन अ स्टेबल ऑसिलेशन, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू मेंटेन अ स्टेबल ऑसिलेशन द ओवरऑल गेन ऑफ द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 1 और यूनिटी। एनी लेस और द ऑसिलेशंस विल स्टार्ट और डाई टू अवे टू जीरो। एनी मोर द ऑसिलेशंस विल अकर बट द एम्पलीट्यूड विल बिकम क्लिप्ड बाय द सप्लाई रेल्स कॉजिंग डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक ट्रांजिस्टर का LC ऑसिलेटर सर्किट है, ये देखें, ये एक ट्रांजिस्टर का LC ऑसिलेटर सर्किट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके आउटपुट पे आपने LC टैंक लगाया हुआ है, और एक म्यूचुअल इंडक्शन आपने पैदा किया है एक और कॉइल लगा के। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग आपने पैदा कर दी है, और इससे फिर आप जो है अपनी जो वेरी कर रहे हैं अपने पैरामीटर्स को, अपनी इसकी जो एनर्जी आपने गेन इसके अंदर मेंटेन करनी है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आपको जो है बाईपोलर ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड एज एन LC ऑसिलेटर एम्पलीफायर। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि एमिटर और कलेक्टर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आना है, तो आपको क्या करना है, आपको 180 डिग्री का शिफ्ट ख़त्म करने के लिए उसमें अपने पास से 180 मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 180 + 180 360 बन जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या करते हो कि आप इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट कर देते हो, यानी L2 और L की पोलैरिटी ऑपोजिट करोगे, जिससे 180 डिग्री का फेज प्लस 180 विल बी इक्वल टू योर 360। तो ये देखिए, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो होगा वो आप इसको देते हो ड्यू टू बाय मेकिंग पोलैरिटीज डिफरेंट। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट था। अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर इज़ यूज एज द LC ऑसिलेटर एम्पलीफायर विद द ट्यून्ड LC टैंक सर्किट एक्ट्स एज अ कलेक्टर लोड। अनदर कॉयल L2 इज कनेक्टेड बिटवीन द बेस एंड एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर हुज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज म्यूचुअली कपल्ड। तो
इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू आप जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू सर्किट्स एंड चेंजिंग द करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल सर्किट इंड्यूसेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अ पोटेंशियल वोल्टेज इन द अदर. सो एज द ऑसिलेशंस अकर इन द ट्यून्ड सर्किट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉइल एल टू कॉइल एल टू एंड अ वोल्टेज ऑफ द सेम. अच्छा जी, अब इसके अंदर जो पॉइंट था, द अमाउंट ऑफ फीडबैक कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अल्टरिंग द कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स एल एंड एल टू. व्हेन द सर्किट इज ऑसिलेटिंग इट्स इंपेडेंस इज रेजिस्टिव एंड द कलेक्टर एंड द बेस वोल्टेजेस आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑसिलेशंस द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यून सर्किट मस्ट बी इन फेज विद द ऑसिलेशंस अकरिंग इन द ट्यून सर्किट. देयरफॉर वी मस्ट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट इनटू द फीडबैक पाथ between the collector and the base. This is achieved by winding the coil of L2 in the correct direction relative to the coil L, giving us the correct amplitude and phase relationships for the oscillator circuit, or by connecting a phase shift network between the output and input of the amplifier. ठीक है, तो 180 डिग्री को हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस इसके अंदर करवाएंगे. तो अब ऑसिलेटर्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कमिंग मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट वेज हैं कंस्ट्रक्ट करने के, जिसमें हार्टली ऑसिलेटर है, कॉलपिट ऑसिलेटर है, और हम और भी हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्लैप है. तो हम हार्टली और कॉलपिट को डिस्कस करेंगे. अच्छा, एग्जांपल लिख कर लेते हैं. एन इंडक्टेंस ऑफ 200 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिको फेराड आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू क्रिएट एन एलसी ऑसिलेटर टैंक सर्किट. कैलकुलेट दी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2πLC. ठीक है, तो 1/2πLC. एल आपका कितना है इसमें? 200 मिली हेनरी, और कैपेसिटर आपका 10 पिकोफैराड है. तो उससे आपकी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी आ गई 112.5 kHz. ठीक है, अब वी कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जांपल बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ईदर द कैपेसिटर और इंडक्टर विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन द एलसी टैंक. अच्छा, अब हम आते हैं हार्टली ऑसिलेटर. अब इससे पहले हमने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गई थी. अब हम उसको हटा के क्या करेंगे, इस सर्किट हम ये आपको एक नज़र भी आ रहा है कि जिसमें हम स्प्लिट कॉइल यूज़ करेंगे, यानी दो कॉइल्स आप स्प्लिट कर देंगे, और इनकी इनको चेंज करने से आप क्या करोगे, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को मैनेज करोगे. द हार्टली ऑसिलेटर डिज़ाइन यूजेस टू इंडक्टिव कॉइल्स इन सीरीज विद अ पैरेलल कैपेसिटर टू फॉर्म इट्स रेजोनेंट टैंक सर्किट प्रोड्यूसिंग साइनोसाइडल ऑसिलेशंस. One of the main disadvantage of the basic LC oscillator circuit we looked into the previous is that they have no means of controlling the amplitude of the oscillations, and also it is difficult to tune the oscillator to the desired frequency. If the cumulative electromagnetic coupling between L1 and L2 is too small, there would be insufficient feedback and oscillations would eventually die away to zero. तो इसमें हम देखते हैं, जैसे ये हमारा एक इसके सर्किट डायग्राम है, पहले आपके सामने दिखाता हूँ. ये आपके सर्किट डायग्राम है जो जिसमें हम जो है हार्टली ऑसिलेटर यूज़ करते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेल्फ ट्यूनिंग बेस ऑसिलेटर सर्किट फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द LC पैरेलल रेजोनेंट फीडबैक ऑसिलेटर कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड द हार्टली ऑसिलेटर. In the Hartley oscillator, the tuned LC circuit is connected between the collector and base of the transistor amplifier. As far as the oscillatory voltage is concerned, the emitter is connected to a tapping point on the tuned coil circuit coil. The feedback path of the tuned LC tank is taken from the center tap of the inductor coil or even the two separate coils in series which are in parallel with the variable capacitor. The Hartley oscillator is often referred to as split inductance oscillator because the coil is center tapped. ठीक है, in effect the inductance acts like two separate coils in very close proximity with the current flowing through the coil section. अच्छा, तो ये था आपका जनाब बेसिक हार्टली ऑसिलेटर का डिज़ाइन. अब इसमें आप जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उस वो किस तरह, क्योंकि एफ सी इज इक्वल टू 1/2πLC. अब एल इसमें क्या है कि LT इज इक्वल टू L1 + L2 + 2M. 2M क्या चीज़ है? M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि इफ देर इज सम म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो LT इज द टोटल क्यूमुलेटिव कपल्ड इंडक्टेंस इफ द टू सेपरेट कॉइल्स आर यूज्ड इंक्लूडिंग देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिंग ट्यूनिंग बाय वेरिंग द ट्यूनिंग कैपेसिटर और वेरिंग द पोजिशन ऑफ द आयरन कोर इन साइड द कॉइल गिविंग इट एन आउटपुट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. Also the Hartley oscillator produces an output amplitude which is constant over the entire frequency range. अब इससे पहले जो LC oscillator था उसमें इनको change करने का mechanism कोई नहीं था,
कि आप इंडक्टेंस को कैसे चेंज करें, कैपेसिटेंस को कैसे चेंज करें। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक मैकेनिज्म है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, कॉइल को चेंज कर सकते हैं, या आप एक कैपेसिटर वेरिएबल लगा के भी उससे भी ये चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। हार्टली ऑसिलेटर सर्किट हैविंग टू इंडिविजुअल इंडक्टर्स ऑफ 0.5 मिली ईच आर डिजाइन टू रेजोनेट इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर दैट कैन बी एडजस्टेड बिटवीन 100 पिको एंड 500 पिको। यानी अब हम क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली डिज़ाइन है, स्प्लिट कॉइल डिज़ाइन है आपके एलसी ऑसिलेटर का। और अच्छा, उस इसके जो हार्टली ऑसिलेटर है, एलसी ऑसिलेटर, हार्टली इज ऑल्सो इन एलसी ऑसिलेटर। अच्छा, अब डिटरमाइन द अपर एंड लोअर फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन एंड ऑल्सो द हार्टली ऑसिलेटर्स बैंडविड्थ। तो अब अपर और लोअर निकालेंगे हम, पहले इस वैल्यू के साथ 0.5 और 100 के साथ निकालें फ्रीक्वेंसी, फिर 0.5 और 500 पिको फैरड के साथ फ्रीक्वेंसी निकालें, फिर इनका डिफरेंस ले लें। जैसे अब इसमें देखें, योर एल टी इज L1 प्लस L2। अच्छा, अब इसमें देखें कि 0.5, टू इंडिविजुअल इंडक्टर्स ऑफ 0.5, ठीक है, तो इसमें जो कि टू हैं तो इन दोनों को ऐड करें, सीरीज में इंडक्टर लगे हों तो वो एड अप होते हैं, तो एल टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 दैट विल बी 1 मिली हेनरी। सो अपर फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, 2 पाई अंडर रूट 1 मिली हेनरी इंटू 100 पिको फैरड दैट विल बी 503 किलो हर्ट्स, ठीक है, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी। और लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है कि एफ एल दैट इज़ 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट योर इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई योर कैपेसिटेंस दैट इज़ योर 225 किलो हर्ट्स। तो 225 किलो हर्ट्स हो गया, यानी दो फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ गई ना, 225 और 503। अब इनका डिफरेंस आप निकालें, 503 माइनस 225, तो ये आपकी बैंड विड्थ आ जाएगी, आपके ऑसिलेटर की बैंड विड्थ। अच्छा, अब ये ऑसिलेटर आप पहले, अब हमने BJT से आपको इसका अभी मैंने डिज़ाइन दिखाया था, इसको आप ओप एम्प से भी बना सकते हैं। तो ओप एम्प का सर्किट कैसा होगा, तो ये आपका ओप एम्प का सर्किट होगा जिसमें आप जो है इसको हार्टली ऑसिलेटर जो है वो ओप एम्प के थ्रू इसको अगर बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको इसकी कन्फिग्रेशन करोगे और कंपोनेंट्स लगाओगे। अच्छा, नेक्स्ट ऑसिलेटर आता है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। अब इससे पहले था हार्टली ऑसिलेटर, उसमें क्या था, कॉइल स्प्लिट थी, कैपेसिटर एक था। अब इसमें कैपेसिटर स्प्लिट हैं, कॉइल एक है, ठीक है। तो द कॉलपिट ऑसिलेटर डिज़ाइन यूजेस टू सेंटर टैप्ड कैपेसिटर्स इन सीरीज विद अ पैरेलल इंडक्टर टू फॉर्म इट्स रेजोनेंट टैंक सर्किट प्रोड्यूसिंग साइनोसाइडल ऑसिलेशंस। द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉलपिट ऑसिलेटर रिजेंबल्स दैट ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर, बट द डिफरेंस इज दैट द सेंटर टैपिंग ऑफ द टैंक सब सर्किट इज नाउ मेड ऑफ द जंक्शन ऑफ कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क इंस्टेड ऑफ अ टैप्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर टाइप इंडक्टर एज इन द हार्टली ऑसिलेटर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में भी यही होता है ना कि एक ही कॉइल के दो पार्ट्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं, स्प्लिट कर लिए जाते हैं एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उस तरह से जो है वो हार्टली में एक कॉइल को स्प्लिट किया जाता है और कॉलपिट में कैपेसिटर को स्प्लिट किया जाता है, जैसे कैपेसिटर डिवाइडर सर्किट। तो इस सर्किट का देखते हैं हम BJT के साथ, ये इसका सर्किट है, जब आपने इसको BJT के साथ डिज़ाइन करना है तो ये इसके सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस तरह से आपने सर्किट को कनेक्ट करना है, इसकी थ्योरी लिखी हुई है सारी यहाँ पे, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ नहीं रहा। तो दिस विल बी द सर्किट ऑफ योर बेसिक कॉलपिट ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। ये बेसिकली वही LC टैंक उसी तरह फंक्शन करेगा जैसे हमने बेसिक इसको पढ़ा है, सिर्फ इसमें ये होगा कि इसमें स्प्लिटिंग आ गई, इन्वॉल्व होगी आपकी। अच्छा, अब इसमें जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इसकी जो निकल आएगी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। अब इसमें C जो होगा, अब देखें C आपका दो सीरीज में जुड़ेंगे, दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम कैसे निकालते हैं, जस्ट लाइक पैरेलल रेजिस्टेंस, यानी 1 ओवर CT इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। तो देखें 1 ओवर CT इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, तो C2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, और इसके अंदर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑफ कॉमन मीटर एम्पलीफायर विद द आउटपुट सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रिगार्ड्स टू द इनपुट सिग्नल एंड एडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेशन इज टू अचीव द फैक्ट दैट द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज बट इन पैरेलल विद द इंडक्टिव कॉइल रिजल्टिंग इन द ओवरऑल फेज शिफ्ट बीइंग 360, ठीक है। तो इसमें देखें दो कैपेसिटर भी, तो आपके कैपेसिटर में कितना होता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो 90 प्लस 90 180, और 180 प्लस 180 कॉमन एमिटर का, तो ये दोनों मिलके, तीनों मिलके, दोनों कैपेसिटर और आपके जो आपका जो BJT है वो तीनों मिलके 360
डिग्री बना लेंगे। अगेन ये 360 और 180 वही वाली बात है जो स्टार्ट में मैंने आपसे की थी कि हमें ये फेज शिफ्ट खुद से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम उसी सर्किट में से एक कंपोनेंट लेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे और उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें देयर फॉर बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ फीडबैक डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू, वी कैन सी दैट द वोल्टेज अक्रॉस सी वन इज द सेम एज द ऑसिलेटर्स आउटपुट वोल्टेज वी आउट एंड द वोल्टेज अक्रॉस सी टू इज द ऑसिलेटर्स फीडबैक वोल्टेज, दस द वोल्टेज अक्रॉस सी वन विल बी मच ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस सी टू। सी वन और सी टू का जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं दैट इज योर सी वन एंड सी टू वोल्टेज। अच्छा, अब देयर फॉर बाई चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटर सी वन एंड सी टू वी कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ फीडबैक वोल्टेज रिटर्न टू द टैंक सर्किट। हाउ एवर लार्ज अमाउंट ऑफ फीडबैक मे कॉज द आउटपुट साइन वेव टू बिकम डिस्टॉर्टेड, वही क्लिपिंग वाली बात कर रहे हैं, वाइल स्मॉल अमाउंट ऑफ फीडबैक में अलाउ दी सर्किट्स टू ऑसिलेट। तो सी वन और सी टू को जो रेशो होती है उसको हम फीडबैक फ्रैक्शन भी बोलते हैं। फीडबैक फ्रैक्शन इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू परसेंट। तो अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर सर्किट हैमिंग टू कैपेसिटर्स ऑफ 24 नैनो फैरेड एंड 240 नैनो फैरेड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट द फीडबैक फ्रैक्शन एंड ड्रॉ द सर्किट। तो कॉलपिट फ्रीक्वेंसी का तो फार्मूला क्या था, वन ओवर टू पाई अंडर रूट एल सी। अब सी जो है उसका आप पहले निकालें इक्विवेलेंट, जैसे हम पैरेलल रेजिस्टेंस का निकालते हैं आर वन इंटू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, इस तरह पैरेलल कैपेसिटेंस का क्या होगा कि सी वन इंटू सी टू ओवर सी वन प्लस सी टू। तो इन दोनों से कम आएगी, जैसे 24 और 240 को आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो इन दोनों से कम आपकी पैरेलल का आंसर आएगा, दैट विल बी 21.82 जो अगर आप इसको सॉल्व करें। तो इसको यूज़ करें अपनी जो इंडक्टेंस है उसके साथ, तो उसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 10.8 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल आई 10.8 किलो हर्ट्ज। आप फीडबैक फ्रैक्शन निकालें सी वन ओवर सी टू, 224 ओवर 240 दैट विल बी योर 10%, आपकी जो फीडबैक फ्रैक्शन है वो है 10%। अच्छा, अब इसमें आते हैं कॉलपिट्स ऑसिलेटर सर्किट की तरफ कि कॉलपिट ऑसिलेटर सर्किट कैसा होगा। ये आपके सामने सर्किट डायग्राम ड्रॉ हुई है, इस तरह से आपने जो है इसके जो है इस कॉलपिट ऑसिलेटर सर्किट को ड्रॉ करना है। बेसिकली ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये दोनों मिलके यहाँ से ग्राउंड हो रहे हैं, यानी हम कॉलपिट ऑसिलेटर सर्किट यूजिंग एन ओपैम। अच्छा, ओपैम से भी आप जो है इसको बना सकते हैं, जो आपका जो कॉलपिट ऑसिलेटर सर्किट है इसको ओपैम से आप कैसे बनाओगे। ओपैम से आप इस तरह से इसको बना सकते हो, यानी आप बीजेटी से भी बना सकते हो और ओपैम से भी बना सकते हो, और ओपैम से आपकी सर्किट डायग्राम जो है वो इस तरह की आपकी ये सर्किट डायग्राम बनेंगे जिसमें आप अपने कॉलपिट ऑसिलेटर को डिज़ाइन करोगे। और नो दैट बीइंग एन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन द रेशियो ऑफ आर टू ओवर आर वन सेट्स द एम्पलीफायर गेन। अब ये आर टू ओवर आर वन ये हमने पढ़ा होगा ना, ये एम्पलीफायर गेन होती है और ये आपका ये वो है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि इसकी प्लस ग्राउंड है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। या फिर उसके मिनिमम गेन ऑफ 2.9 इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑसिलेशन। रेजिस्टेंस आर थ्री प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड फीडबैक टू द एल सी टैंक सर्किट। एडवांटेजेस ऑफ द कॉलपिट ऑसिलेटर ओवर द हार्टले ऑसिलेटर आर द कॉलपिट ऑसिलेटर प्रोड्यूस अ मोर प्योर साइनोसाइडल वे फॉर्म ड्यू टू द लो इम्पिडेंस पास ऑफ द कैपेसिटर्स एट हाई फ्रिक्वेंसीज। तो इसकी जो वे फॉर्म होती है वो ज़्यादा प्योर साइनोसाइडल होती है एज़ कम्पेयर टू योर हार्टले ऑसिलेटर्स। अच्छा, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे क्वार्ट्स क्रिस्टल ऑसिलेटर। जो क्वार्ट्स ऑसिलेटर होते हैं जिसमें आपका आपके जो हैं जो आप अक्सर माइक्रोप्रोसेसर वगैरह के साथ भी यूज़ करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनी ऑसिलेटर इज इट्स फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड इन अदर वर्ड्स इज एबिलिटी टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट अंडर वेरिंग लोड कंडीशंस। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी है आपकी जो क्वार्ट क्रिस्टल की है, टू ऑब्टेन वेरी हाई, बेसिकली ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती हैं, टू ऑब्टेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ ऑसिलेटर स्टेबिलिटी अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज जनरली यूज्ड एज द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस अनदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर सर्किट नोन जनरली एज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, एक्सओ। तो अब इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जिस पे आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, और जब अगर इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे तो ये मैकेनिकल वेव्स या मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिकल आप कह सकते हैं इनको ऑसिलेटर्स, और बेसिकली अगर इनकी आप मॉडलिंग करें तो ये इसका मॉडल होगा आपकी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होगी, दिस इज द मॉडल ऑफ अ क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो
अभी ये क्वार्ट्ज ऑसिलेटर का मॉडल है, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर्स फॉर्म में इसकी मॉडलिंग की गई है, ठीक है। तो इसमें ये जो सी है इसको रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया फ्रिक्शन एंड स्टिफनेस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, दैट पोर्शन एंड दैट रिप्रेजेंट्स द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, बेसिकली सी पी। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे इसका एक मॉडल शो हुआ है, जिसमें इसको जो है बेसिकली यू कैन सी इट्स अ मैकेनिकल टाइप क्रिस्टल ऑसिलेटर। अच्छा, अब हम आते हैं आर सी ऑसिलेटर की तरफ। ओके, व्हाट इज एन आर सी ऑसिलेटर? आर सी ऑसिलेटर सर्किट क्या होगा कि आर सी ऑसिलेटर सर्किट के जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम बनी है, ये आगे एक्सप्लेन हो जाएगी। आर सी ऑसिलेटर यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एम्पलीफायर एंड आर सी फीडबैक नेटवर्क टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑसिलेशन ड्यू टू द फेज शिफ्ट बिटवीन दी स्टेजेस। अच्छा, अब इसमें जो है वी सी दैट अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैन प्रोड्यूस 180 डिग्री ऑफ फेज शिफ्ट बिटवीन इट्स आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल्स व्हेन कनेक्टेड एज अ कॉमन एमिटर टाइप एम्पलीफायर एंड दैट इट्स आउटपुट सिग्नल अक्रॉस द कलेक्टर लोड डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इनपुट सिग्नल इंजेक्टेड इनटू द ट्रांजिस्टर्स बेस टर्मिनल। अच्छा, ये एक बेसिक बात कर रहा है जो कॉमन एमिटर की है। अच्छा, बट वी कैन कन्फिगर द ट्रांजिस्टर स्टेजेस टू ऑपरेट एज ऑसिलेटर्स बाई प्लेसिंग रजिस्टर कैपेसिटर नेटवर्क्स अराउंड द ट्रांजिस्टर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नेगेटिव फीडबैक विदाउट द नीड फॉर अ टैंक सर्किट। टैंक सर्किट जो था एलसी सर्किट, उसके बगैर भी हम ये ऑसिलेशंस पैदा कर सकते हैं। कैसे पैदा कर सकते हैं? आरसी ऑसिलेटर के थ्रू। आरसी ऑसिलेटर क्या किस तरह काम करेगा? फॉर एन आरसी ऑसिलेटर टू सस्टेन इट्स ऑसिलेशंस इनडेफिनेटली सफिशेंट फीडबैक ऑफ द करेक्ट फेज दैट इज द पॉजिटिव इन फेज फीडबैक मस्ट बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द वोल्टेज गेन ऑफ द सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बींग यूज टू इंजेक्ट एडिकेट लूप गेन इन टू द क्लोज लूप सर्किट इन ऑर्डर टू मेनटेन द ऑसिलेशन अलाउंग इट टू ऑसिलेट कंटिन्यूसली। तो इसमें हमें वही बात है कि कॉमन एमिटर में जैसे ऊपर बताया कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आना होता है, तो उस फेज शिफ्ट को हमने हटाना है किसी तरीके से। अब वो कैसे हटाओगे? आप क्या करोगे, 180 का अपने पास से आपने इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे अपने पास से कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे? यहाँ पे हम कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। कैपेसिटर में आपको पता है कि जो आइडियल कैपेसिटर होता है उसमें 90 डिग्री का डिले आ जाएगा, यानी उसमें करंट लीड करता है 90 डिग्री से, डिले आ जाता है ना उसके अंदर 90 डिग्री का। तो अगर आप तीन कैपेसिटर सीरीज में यूज़ कर लें तो क्या होगा कि मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, मतलब तीन से तो 270 तक चला जाएगा। तो अगर प्योर कैपेसिटर से दो तो दो सीरीज़ में यूज़ करें, अगर आर सी है तो आर सी में 90 से कम अगर आपके पास एंगल आता है, फॉर एग्जाम्पल 60 आता है, तो तीन स्टेज आप यूज़ कर लें, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो 180 डिग्री आपके पास वहाँ से आ जाएगा। तो 180 प्लस 180 एम्पलीफायर का विल बी इक्वल टू योर 360 फेज शिफ्ट। सो इन एन आर सी ऑसिलेटर सर्किट द इनपुट इज शिफ्टेड 180 डिग्री थ्रू द फीडबैक सर्किट रिटर्निंग द सिग्नल आउट ऑफ द फेज एंड 180 डिग्री अगेन थ्रू एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड पॉजिटिव फीडबैक। दिस इज 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 ऑफ द फेज शिफ्ट विच इज इफेक्टिवली सेम एज जीरो, यानी 360 का मतलब है जीरो ही। तो ये देखें, इन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑसिलेटर और सिंपली नोन एज आर सी ऑसिलेटर वी कैन मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट ऑफ द फेज शिफ्ट अकर्स बिटवीन द इनपुट ऑफ आर सी नेटवर्क एंड आउटपुट फ्रॉम द सेम नेटवर्क बाई यूजिंग इंटरकनेक्टेड आर सी एलिमेंट्स इन द फीडबैक ब्रांच। अब जैसे जो कैपेसिटर और आर है, ठीक है, कैपेसिटर और आर में आप अगर यहाँ से आउटपुट इसकी लें तो आपको 60 डिग्री का डिले मिलेगा। नहीं, अगर आपकी 60 डिग्री बेसिकली इसमें जो है ना लीडिंग आ जाएगा, लीड कैपेसिटर में करंट लीड कर जाता है ना, तो अगर आपकी ये इनपुट है तो आपकी आउटपुट लीड कर जाएगी 60 डिग्री, लीडिंग दैट इस एंगल को लीडिंग बोलेंगे, आपकी आउटपुट लीड कर रही है इनपुट से, ठीक है। तो 60 डिग्री आ गया, तो अगर आप तीन सीरीज में जोड़ लें 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180, तो इस तरह से तीन स्टेजेस को अगर आप जोड़ लें, दैट विल बी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो इस तरह से हम तीन स्टेज को यूज़ करते हुए अपना एक ऑसिलेटर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक्स सी का फार्मूला ये 1/2 πfc z इज इक्वल टू r² + xc अंडर रूट एंड फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स xc/r, ये जनरल फार्मूला है। तो अब इसमें वेक्टर डायग्राम वही है, 60 प्लस 60 प्लस 60 इज 180 डिग्री, और 180 प्लस कॉमन मीटर का 180 विल बी इक्वल टू योर 360, ठीक है। कॉमन एमिटर का या ओप एम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसे यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अगर आप इन्वर्टिंग ओप एम्प यूज़ कर लें
उसमें भी 180 प्लस 180 360 हो जाएंगे। तो हम ये देखें स्टेज वन स्टेज टू और स्टेज थ्री, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर में आपने डाले और एम्पलीफायर के अंदर अपना 180 प्लस 180 विल बी इक्वल टू योर 360, यानी जो भी इनपुट आप ये देखें आप इसे इनपुट ले रहे हैं और इनपुट लेके उसमें पहले 180 खुद से डाल रहे हैं इसके थ्रू और फिर 180 इसकी वजह से अपनी वजह से आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे आपकी आउटपुट आपको इन फेज मिल जाएगी, ठीक है। तो द थ्री स्टेजेस आर कैस्केडेड टुगेदर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्लोप फॉर अ स्टेबल ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। द फीडबैक लूप फेज शिफ्ट इज -180 व्हेन द फेज शिफ्ट ऑफ ईच स्टेज इज -60। दिस अकर्स अप टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ 1.732 ओवर RC टेन 60 इज 1.732। अच्छा अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिक RC ऑसिलेटर सर्किट कैसा होता है। ये देखें ये आपके सामने बेसिक RC ऑसिलेटर सर्किट है एक BJT के साथ। तो BJT के साथ आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे और ओप एम्प के साथ इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। द बेसिक RC ऑसिलेटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस अ साइन वेव आउटपुट सिग्नल यूजिंग रीजनरेटिव फीडबैक ऑब्टेन फ्रॉम दी रेजिस्टर कैपेसिटर लैडर नेटवर्क। दिस रीजनरेटिव फीडबैक फ्रॉम द RC नेटवर्क इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस रेजिस्टेंस कैपेसिटर फीडबैक नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड एज शोन अबाउट टू प्रोड्यूस अ लीडिंग फेज शिफ्ट और इंटरचेंज्ड टू प्रोड्यूस अ लैगिंग फेज शिफ्ट। द आउटकम इज स्टिल द सेम एज द साइन वेव ऑसिलेशंस ओनली अकर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री। अच्छा अब इसमें आप देखें आपकी जो फ्रिक्वेंसी है 1/2 पाई RC अंडर रूट 2n, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा 1/2 पाई RC इंटू अंडर रूट 2n। एन क्या चीज़ है, एन इज़ दी नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टेज इसमें आप यूज़ करें, जैसे पीछे आपने तीन स्टेजेस यूज़ की हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं RC ऑसिलेटरी का। अच्छा दी सिंस द सीरीज कैपेसिटर कम्बिनेशन ऑफ द इन दी RC ऑसिलेटर लैडर नेटवर्क ऑल्सो एक्ट्स एन एटेन्यूएटर, दैट इज द सिंगल सिग्नल रिड्यूसेस बाय सम अमाउंट एज इट पासिस थ्रू ईच पैसिव स्टेज। इट कुड बी अज्यूम दैट द थ्री फेज शिफ्ट सेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट दिस इज नॉट द केस एज द टोटल क्यूमुलेटिव फीडबैक एटेन्यूएशन बिकम्स 1/29। तो ये 1/29 आपकी जो इसमें एटेन्यूएशन हो जाएगी, तो 29 से ज़्यादा आपकी गेन होनी चाहिए। अगर आप ये ऑसिलेटर डिज़ाइन करते हैं तो आपकी गेन 29 से ज़्यादा होनी चाहिए। द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द एम्पलीफायर ऑन द फीडबैक नेटवर्क हैज़ एन इफेक्ट ऑफ ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एंड कैन कॉज द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अप टू 25% हायर दैन द कैलकुलेटेड। एंड द फीडबैक नेटवर्क शुड बी ड्रिवन फ्रॉम अ हाई इम्पिडेंस आउटपुट सोर्स एंड फेड इन टू अ लो इम्पिडेंस लोड सच एज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, बट दे स्टिल टू यूज़ ओप एम्प एज इट सेटिस्फाइड दीज कंडीशन परफेक्टली। तो ओप एम्प वाला RC ऑसिलेटर कैसे आप डिज़ाइन करोगे, व्हेन यूज एन RC ऑसिलेटर ऑपरेशन एम्पलीफायर RC ऑसिलेटर्स आर द कॉमन आर मोर कॉमन देन देयर बाईपोलर ट्रांजिस्टर काउंटर पार्ट्स। द ऑसिलेटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिव ओप एम्प, नेगेटिव होगा ना 180 और प्लस उसमें तीन स्टेज का 180, तो टोटल हो जाएगा आपका 360। तो ये देखें ये आपका ओप एम्प के साथ आपने इस तरह का इसको डिज़ाइन करना है जिसमें ओप एम्प की गेन आपने 29 रखनी है। अब देखें इस तरह का ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। जब एक्चुअल डायग्राम आ जाएंगे ना वहाँ पे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इधर और एक इधर लगा के उसको 29 के लेके बराबर आना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस को इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है कि वो 29 आपकी गेन आए, ठीक है। तो ये इसके मतलब लिखा है, जैसे अभी हम इसका एक सर्किट इसकी एग्जाम्पल करते हैं। हाँ एन ओप एम बेस्ड थ्री स्टेज RC फेज ऑसिलेटर RC शिफ्ट ऑसिलेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ साइनोसाइडल आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 kHz। इफ 2.4 nF कैपेसिटर्स आर यूज इन द फीडबैक सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग रेजिस्टर्स एंड वैल्यूज ऑफ द फीडबैक रेजिस्टर रिक्वायर्ड टू सस्टेन ऑसिलेशंस ऑल्सो ड्रॉ द सर्किट। द स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन फॉर द फेज शिफ्ट RC ऑसिलेटर इज 1/2 पाई RC अंडर रूट 2n। द सर्किट इज टू बी अ थ्री स्टेज RC ऑसिलेटर विच वी विल देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स एंड थ्री इक्वल 2.4 nF कैपेसिटर्स एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन एज 4 kHz। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स आर कैलकुलेटेड एज, अच्छा फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 4 kHz, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट इंटू RC। अच्छा अब आपकी तीन स्टेजेस हैं तो 2 × 3 3 × अब इसमें इसमें एक पॉइंट देखें आप 1/2 पाई RC अंडर रूट 2n, ठीक
ठीक है, 2 इंटू 3, एन आपके पास 3 है तो ये 2 इंटू 3 यानी अंडर रूट 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू सी। अब हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं टू जनरेट 4 किलोहर्ट्ज़ विद दिस कैपेसिटर विच वी आर गिवन दैट इज़ 2.4 नैनो फैरड। तो आर हमारे पास आ रहा है 6.8 किलो ओम, यानी आपको 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ लगानी पड़ेगी। अच्छा, और आपने ओप एम्प की गेन कितनी रखनी है, 29। अब द रेजिस्टेंस वैल्यू, द रेजिस्टिव वैल्यू ऑफ द ऑसिलेशन सर्किट रेजिस्टर्स आर 6.8 किलो ओम, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ द ओप एम्प फीडबैक रेजिस्टर आर एफ इज कैलकुलेटेड एज ए बी इज इक्वल टू आर एफ ओवर आर, इट इज इक्वल टू 29। और ए बी जो है आर एफ ओवर आर, ये आपको बताया कि आर एफ ओवर आर इन्वर्टिंग के लिए जो होता है आर एफ ओवर आर, माइनस को हम अभी इग्नोर करते हैं, आर एफ ओवर आर इज 29। तो आर एफ इज इक्वल टू ए बी इंटू आर। तो आर आपके पास कितना है, 6.8 जो आपने ऊपर निकाला है। अब 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 29 दैट इज इक्वल टू 197.2 किलो ओम। तो ये देखें, ये आपका सर्किट यहाँ पे शो होगा, इसका सर्किट डायग्राम ये देखें, तो 197.2 जो कि 196 किलो ओम उसके करीब तरीन आ गए, और बाकी ये आपके आगे 16.8 6.8 6.8, तो 29 इसकी गेन है आपके ओप एम्प की। तो ये आपका एक ओप एम्प आपने ऑसिलेटर बेसिकली बना लिया, 4 किलोहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर आपने बना लिया। तो ये क्वेश्चन था, डिज़ाइन क्वेश्चन है कि आपने एक आरसी ऑसिलेटर सर्किट ओप एम्प को यूज़ करते हुए 4 किलोहर्ट्ज़ का इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना है, जिसमें आपको कैपेसिटेंस जो है आपको गिवन है, जो कि आपने 2.4 नैनोफेरेड की यूज़ करनी है। तो ये थे आपके आरसी ऑसिलेटर। अब एक इसके आरसी ऑसिलेटर के टाइप है वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। वीन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है कि वो भी आरसी ऑसिलेटर ही होता है, लेकिन उसमें उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है कि हम हाई पास और लो पास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, उसमें हाई पास फिल्टर स्टेज बनी हुई है और फिर उसके बाद लो पास फिल्टर स्टेज आ जाती है। तो वीन ब्रिज ऑसिलेटर यूजेस टू आरसी नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साइनोसाइडल ऑसिलेटर। इन द आर सी ऑसिलेटर ट्यूटोरियल वी सॉ दैट अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर विद एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर टू प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग सर्किट। वन ऑफ द सिंपलेस्ट साइन वेव ऑसिलेटर्स विच यूजेज अ आर सी नेटवर्क इन प्लेस ऑफ द कन्वेंशनल एल सी ट्यून टैंक सर्किट टू प्रोड्यूस अ साइनोसाइडल आउटपुट वेव फॉर्म इज कॉल्ड अ वीन ब्रिज ऑसिलेटर। द वीन ब्रिज ऑसिलेटर इज सो कॉल्ड बिकॉज द सर्किट इज बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। द व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म का होता है वो, द वीन ब्रिज ऑसिलेटर इज अ टू स्टेज आर सी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट दैट हैज गुड स्टेबिलिटी एंड इट्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये इसकी प्रॉपर्टीज है बेसिकली, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, लो डिस्टॉर्शन है, आउटपुट वेव फॉर्म इसकी अच्छी होती है, एंड इट्स वेरी इजी टू ट्यून मेकिंग इट अ पॉपुलर सर्किट एज एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। बट द फेज शिफ्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल इज कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस फेज शिफ्ट आर सी ऑसिलेटर। अच्छा जी, वीन ब्रिज ऑसिलेटर यूजेज अ फीडबैक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सीरीज आर सी सर्किट कनेक्टेड विद अ पैरेलल आर सी ऑफ द सेम कंपोनेंट वैल्यू इज प्रोड्यूसिंग अ फेज डिले और फेज एडवांस सर्किट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। एज द फ्रीक्वेंसी द फेज शिफ्ट इज जीरो कंसिडर द सर्किट बिलो। अब जैसे ये देखें, ये सर्किट आपके सामने कि जिसमें देखेंगे ब्रिज की तरह ना, ब्रिज की तरह का वीन ब्रिज इसको जो है वो तभी बोला था, अगर आप इसको नोट करें तो ये ब्रिज जैसे होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसमें भी इस तरह से ही होते हैं कि चार लेग्स आपस, चार कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, उसके टॉप टू पे आप सप्लाई देते हैं और सेंटर वाले टू से आप अक्सर आउटपुट ले रहे होते हैं, मतलब उसकी एक स्ट्रक्चर इस तरह की है। द अबव आर सी नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द सीरीज आर सी सर्किट कनेक्टेड टू अ पैरेलल आर सी फॉर्मिंग बेसिकली अ हाई पास फिल्टर कनेक्टेड टू अ लो पास फिल्टर प्रोड्यूसिंग अ वेरी सेलेक्टिव सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट बैंड पास फिल्टर विद अ हाई क्यू फैक्टर एट द सेलेक्टेड फ्रिक्वेंसी। काफ़ी लंबा फिक्र है, क्यू फैक्टर आपको मैंने बताया हुआ क्लास के अंदर भी, क्यू फैक्टर क्या होता है, आपकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई योर बैंडविड्थ, दैट इज योर क्यू फैक्टर बेसिकली। अच्छा, अब इसमें जो है इसके अंदर क्या है, एट लो फ्रिक्वेंसीज। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बैंड पास फिल्टर टाइप एक चीज़ ये बन रही है कि इसके, मैं पहले आपको डायग्राम ये देखें, तो ये आपकी हमने बैंड पास फिल्टर स्टार्ट में पढ़े थे जो है ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लेक्चर्स, के जिस तरह से हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपने हाई पास और लो पास को, जिससे हमारे पास एक बैंड पास फिल्टर आ जाता है। तो ये आपके पास बैंड पास फिल्टर आ गए हैं फर्स्ट ऑर्डर,
ठीक है। और इसमें ये देखेंगे ये बैंड पास या हाई पास वाला फेज एंगल है 90 से 0 तक, और फिर लो पास वाला 0 से -90 तक। तो ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है बेसिकली आपके बैंड पास फिल्टर का। सो दैट इज़ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जो आप इसे जनरेट करवाते हो। एट लो फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू ऑफ द सीरीज कैपेसिटर सी वन इज़ वेरी हाई, सो इट एक्ट्स एज अ बिट लाइक एन ओपन सर्किट ब्लॉकिंग एनी इनपुट सिग्नल, ठीक है, वी इन रिजल्टिंग इन वर्चुअली नो आउटपुट सिग्नल, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसीज द कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर बिकम्स वेरी लो, सो दिस पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर एक्ट्स अ बिट लाइक अ शॉर्ट सर्किट एट द आउटपुट, अगेन देर इज नो आउटपुट सिग्नल। सो देर मस्ट बी अ फ्रीक्वेंसी पॉइंट बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स ऑफ द सी वन बींग ओपन सर्किट एंड सी टू बींग शॉर्ट सर्किट वेयर दी आउटपुट वोल्टेज रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। द फ्रीक्वेंसी वैल्यू एट द इनपुट वे फॉर्म इज कॉल्ड द ऑसिलेटर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको हम ऑसिलेटर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इन बिटवीन वैल्यू। देखें हाई लो फ्रीक्वेंसी पे वैसे ही हाई मतलब ब्लॉक कर देगा इनपुट को, और हाई फ्रीक्वेंसी पे पास कर देगा, लेकिन यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपको दोनों तरफ आपकी आउटपुट नहीं मिलेगी, ना लो फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी ना हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी। आपको इनके इन बिटवीन जो है एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आपको इसकी मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। एट दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द सर्किट रीचेज इट्स इक्वल्स इट्स रेजिस्टेंस जो कि आर रह जाएगी। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इक्वल जीरोस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज देयर फॉर द मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनपुट वोल्टेज एज शोन। अच्छा 1/3 रह जाएगा आपके इनपुट वोल्टेज का। अच्छा अब इसमें इट कैन बी सीन एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज द फेज एंगल बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स इज पॉजिटिव फेज एडवांस, वाइल एट हाई फ्रीक्वेंसीज द फेज एंगल बिटवीन बिकम्स नेगेटिव फेज डिले इन द मिडल ऑफ दीज टू पॉइंट्स द सर्किट। ये देखें ना यहाँ पे फेज एडवांस है, लो फ्रीक्वेंसीज पे फेज एडवांस है और हाई फ्रीक्वेंसीज पे फेज आपका डिले है, सिर्फ आपके इन बिटवीन आपका जो है इन फेज है आपका सिग्नल। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, 1/2 पाई RC, R इज द रेजिस्टेंस इन ओम एंड C इज द कैपेसिटेंस इन फैरड्स। अच्छा तो अब इसमें ये देखें वी आउट फ्रॉम द RC नेटवर्क इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनपुट वैल्यू। अच्छा इस प्रॉपर्टी को भी आगे हम यूज़ करेंगे। अच्छा तो ये 0.33 इंटू वी इन। अच्छा अब आगे हम इसके इसके ऊपर आते हैं कि RC नेटवर्क डिवाइडर, बेसिकली ये आपका दो RC नेटवर्क डिवाइडर बन गया। तो एक ये आपका सीरीज़ वाला है R1 C1, और दूसरा आपका है पैरेलल में जो कि R2 और C2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इफ़ वी रीड ऑल द अबव RC नेटवर्क एज शोन वी कैन क्लियरली सी इट कंसिस्ट ऑफ टू RC सर्किट्स कनेक्टेड टुगेदर विद द आउटपुट्स टेकन फ्रॉम देयर जंक्शन, रेजिस्टेंस R1 एंड कैपेसिटर C1 फॉर्म अ टॉप सीरीज नेटवर्क वाइल द रेजिस्टेंस R2 एंड कैपेसिटर C2 फॉर्म द बॉटम पैरेलल नेटवर्क। देयरफॉर द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन R1 C1 वी कैन कॉल ZS, उसको हम ZS बोल सकते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है और ये आप ZP बोल रहे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। ZS एंड ZP कनेक्टेड टुगेदर अक्रॉस, और ये आपका आउट बन जाएगा वी आउट, और ये आपका वी इन बन जाएगा टोटल वी इन। दे फॉर्म अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क विद द आउटपुट टेकन फ्रॉम द ZP। लेट अस अज्यूम दैट द कंपोनेंट वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 आर द सेम, 12 किलो ओम कैपेसिटर्स भी सेम है, तो आर सेम 3.9 नैनो फेरेड। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.4 किलोहर्ट्ज को सप्लाई करना है। अब सीरीज सर्किट की ज़रा वैल्यू निकालें, आर कितना है 12 के, और एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, तो 3.4 के ऊपर 3.9 नैनो फेरेड आपको गिवन है। तो एक्स सी आपका इतना आ गया, और जेड क्या होगा, √R² + XC² तो जेड एस आपका आ गया 17 किलो ओम। अच्छा ये आपका आ गया जेड एस। तो अब आप जेड पी निकालें, जेड पी में दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो R 12 के है, XC भी आपका 12 के आप पा रहे हैं। अच्छा और 1/Z = 1/R + 1/XC, तो यहाँ से ये निकल आएगा Z = 6 किलो ओम, ठीक है। तो R आपका 6 किलो है, मैं XC आपसे आपका 6 किलो ओम है, तो आपका जो ZP है दैट विल बी R² + XC², ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर 8.5 किलो ओम, ठीक है। एट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.4 किलोहर्ट्ज़ कॉम्बिनेशन ऑफ DC और सर्किट कम्बाइंस विद द 6R पैरेलल विद XC, ठीक है, विद द वेक्टर सम ऑफ दिस पैरेलल इंपेडेंस, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे ना आपकी, तो आपकी जो ZP होगी वो आपके पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आ रही है 8.5,
और आपकी जो है आपकी जेड एस है वो कितनी आ रही है आपके पास, 17 किलो ओम। तो अब 8.5 और 17 है, अब इसमें से आपने निकालना है वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगाएं कि जेड आउट इज इक्वल टू जेड पी ओवर जेड पी प्लस जेड एस। तो ओके, तो जेड आउट विल बी इक्वल टू जेड पी ओवर जेड पी ओवर जेड पी प्लस इंटू जेड एस। ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज डिवाइडर लॉ से सिंपल सिंपल लग गया सीधे सीधा। तो ये आपका आ रहा है 1/3, जेड आउट इज योर 0.3, दैट इज 1/3, जो कि इस चीज़ को शो कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 1/3 रह जाती है इसमें। देन एट द ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वी आउट विल बी इक्वल टू जेड आउट इन टू वी इन विच इज एज शोन 1/3 ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड इट इज द फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव आरसी नेटवर्क विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मीन ब्रिज ऑसिलेटर। तो अब इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से आप इसको बनाएंगे 1 + R1 / R2। ये आगे हम देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि ए इज इक्वल टू, अब देखिए नॉन इन्वर्टिंग से आप बना रहे हैं ना इसको, इसको इसके अंदर वो फेज शिफ्ट वाले जो इसके अंदर वो जो मामला हैं इसके अंदर वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज फेड बैक टू बोथ द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर, वन पार्ट ऑफ द फीडबैक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, जो कि नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक है एंड बाय द रेजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क R1 और R2। ठीक है, ये तो सिंपल आपका वो गेन नेटवर्क का आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये आपकी जो है 1/3 V। ठीक है, 1/3 V दैट विल बी योर इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज इंटू 1 + R1/R2 दैट विल बी योर आउटपुट ऑफ दी ओप एम्प। द अदर पार्ट विच फॉर्म्स द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R and C फॉर्म्स द फीडबैक नेटवर्क एंड आर फीडबैक टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, पॉजिटिव और रीजनरेटिव फीडबैक वाई द RC मीन ब्रिज नेटवर्क एंड इट इज द पॉजिटिव फीडबैक कॉम्बिनेशन दैट ड्राइव्स गिव्स राइज टू द ऑसिलेशन। द RC नेटवर्क इज कनेक्टेड इन दी फॉर पॉजिटिव फीडबैक पाथ ऑफ द एम्पलीफायर एंड हैज जीरो फेज शिफ्ट, इट इज जस्ट 1 फ्रिक्वेंसी। यानी इसमें वो फेज शिफ्ट वाले मामला नहीं है, वो जो कॉमन इमिटर वगैरह की वजह से इसमें आ रहे थे 180 डिग्री के, तो इस वजह से यहाँ पे हमने एक नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प यूज़ किया है। देन एट द सिलेक्टेड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज इज अप्लाई टू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स विल बी इक्वल एंड इन फेज, सो द पॉजिटिव फीडबैक विल कैंसिल आउट द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल कॉजिंग द सर्किट टू ऑसिलेट। द वोल्टेज सिग्नल ऑफ द एम्पलीफायर मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 1/3 रह जाता है आपका वोल्टेज ना इसमें, फॉर द ऑसिलेशन टू स्टार्ट बिकॉज एज वी हैव सीन दैट द इनपुट इज 1/3 ऑफ द आउटपुट। यानी आपकी जो इनपुट आप निकालते हैं सर्किट से, जो वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट देखें जिसमें हम सर्किट से कुछ इनपुट लेंगे उसको एम्पलीफाई करके वापस इंजेक्ट कर देंगे सर्किट के अंदर, तो जो हमने निकाली थी वो 1/3 रह गई थी, तो इसलिए उसको कम से कम 3 से ज़्यादा हमने रखना है। ठीक है, 3 से ज़्यादा रखना है। तो ए वी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 इज सेट बाई द फीडबैक रेजिस्टर नेटवर्क R1 और R2 फॉर दी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दैट इज गिवन एज द रेशियो 1 + R1/R2। R1 आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस है, R2 आपकी जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस है। अब मीन बैक जो है ऑसिलेटर की एग्जांपल देखते हैं कि डिस्क्राइब डिटरमिन दी मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ मीन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम एंड अ वेरिएबल कैपेसिटर ऑफ 1 nF-1000 nF। The frequency of oscillations for a Wien bridge oscillator is given as FR is equal to 1/2 πRC। तो इसकी अब 1/2 πRC, ठीक है, तो F minimum 1/2 πRC that is 1/2 × 10 kΩ into 1000 1000। अब देखें इसमें आपको जो है अब यहाँ पे गिवन हो गया आपको कैपेसिटर की वैल्यू आपको गिवन है 1 nF से 1000 nF तक। तो एक फ्रीक्वेंसी आप 1 nF यूज़ करके निकालोगे और दूसरी फ्रीक्वेंसी आप 1000 nF यूज़ करके निकालोगे। तो यहाँ पे पहले एक 1000 के साथ निकालिए और एक 1 nF के साथ निकालिए। 1000 के साथ निकालोगे तो आपके पास आएगी 15.9 Hz, ये लोएस्ट आएगी ना कैपेसिटर की, हाईएस्ट वैल्यू आपने इधर यूज़ की है तो आपके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ मिनिमम। और यहाँ पे आप 1 रेसिप्रोकल में यूज़ कर रहे हो 1 nF, तो एफ मैक्सिमम आपके पास आएगी 15 kHz, 15.9 kHz। एफ मैक्सिमम है 15.9 और एफ मिनिमम है आपकी 15.9। तो ये इतना ही क्वेश्चन था कि जिसमें आपने एफ मैक्सिमम निकालनी है और एफ मिनिमम निकालनी है। अच्छा जी, एग्जांपल टू, अ मेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट इज रिक्वायर्ड टू रीजनरेट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ साइनसोइडल वेव फॉर्म ऑफ 5.2 kHz।
Calculate the values of frequency determining resistances R, R, R1 and R2 and two capacitors C1 and C2 to produce the required frequency. अच्छा अब इसमें जो है आपको देखें क्वेश्चन क्या है कि 5.2 किलोहर्ट्ज का ऑसिलेटर आपने डिज़ाइन करना है, 5.2 का डिज़ाइन करना है तो 1/2 πRC इज इक्वल टू 5.2, ठीक है। कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग रेजिस्टर्स R1 एंड R2 एंड टू कैपेसिटर C1 एंड C2 टू प्रोड्यूस दी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, तो F इज इक्वल टू 1/2 πRC। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, आप सपोज कर लेंगे R1 इज इक्वल टू R2 और C1 इज इक्वल टू C2, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है फॉर द मीन ब्रिज ऑसिलेटर वो कितनी है, 5.2 R1 R2 और C1 C2। तो उसमें आप वी एज्यूम डेट और फीडबैक जो कैपेसिटर है वो 3 nF का जो है आपने इसमें यूज़ करना है, ये एजम्पशन है हमारी, यानी वी एज्यूम अ वैल्यू ऑफ 3 nF। एक वैल्यू को आप एज्यूम करें दूसरी निकाल दें, तो इसमें आप देखें 1/2 πRC R इज इक्वल टू 1/2 πf × C, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5.2 किलोहर्ट्ज और कैपेसिटेंस कितनी है 3 nF, ये अज्यूम्ड है, ये आप अज्यूम करोगे, अज्यूम करके R निकालो, R आपकी आ रही है 10200 यानी 10,200 जो कि 10 K2, उसको इस तरह से लिखते हैं 10 K2 ohm। अच्छा फॉर साइनोसाइडल ऑसिलेशन टू बिगेन ये आपने R की वैल्यू रखनी है और C की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा अब 3 nF फॉर साइनोसाइडल ऑसिलेशन टू बिगेन द वोल्टेज गेन ऑफ द वीन ब्रिज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब आप क्या करो, 1+R3/R4, R3/R4 उसको नाम दे रहे हैं, 1+R3/R4 ये आपका नॉन इन्वर्टिंग में यूज़ होगा, इसको इक्वल टू 3 रख दें तो 1 इधर आगे माइनस हो जाएगा, R3/R4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या होगा कि R3 विल बी इक्वल टू R3/2 या R3 इज इक्वल टू 2 × R4। अगर आपका R3 100K है तो R4 आपका होगा 50K, तो ये आपकी गेन में निकल आई, यानी 3 से ज़्यादा रखने के लिए आपकी R3 R4 निकल आई, और ऊपर आपने कैपेसिटर भी 3.3 के साथ 3 nF के साथ आपने रेजिस्टेंस भी निकाली हुई है, तो ये आपका एक जो है आपका ऑसिलेटर बन जाएगा, मीन ब्रिज ऑसिलेटर। तो वाइल अ गेन ऑफ 3 इज़ द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू इंश्योर द ऑसिलेशंस, इन रियलिटी अ वैल्यू अ लिटिल हायर देन दैट इज जनरली रिक्वायर्ड। इफ वी एज्यूम अ गेन वैल्यू 3.1 देन द रेजिस्टर R4 इज रीकैलकुलेटेड टू गिव अ वैल्यू ऑफ 4.7, यानी अगर आप गेन चूँकि 3 से ज़्यादा रखनी है, अगर आप गेन देखें 50 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो अगर आप 3.1 गेन रखते हैं तो उसमें आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 47 kΩ, तो ये आप वैल्यू इधर यूज़ कर लेंगे, तो 3.1 की गेन है, तो 100 47 और 3 10 K2 और 3 एंड 10 K2, ठीक है, यानी ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और ये आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये आपका एक वीन ब्रिज ऑसिलेटर था। तो इस वीक के अंदर हमने ऑसिलेटर्स को बेसिकली डिस्कस किया कि ऑसिलेटर्स ने जो है वो उसको बेसिकली हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ LC ऑसिलेटर्स और RC ऑसिलेटर्स को डिस्कस किया। सो इस वीक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।